हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ललिता है और मैं ऑप्स एंड गायनी में 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर आती हैं जो क्वेश्चन करती हैं कि क्या उनको प्रेगनेंसी में COVID-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए और कब लगवानी चाहिए, कितनी डोजेस लगवानी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्यों लगवाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि शुड ए प्रेग्नेंट लेडी टेक COVID-19 वैक्सीन, क्या प्रेग्नेंट लेडी को COVID-19 वैक्सीन लेनी चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी में एज सच कोविड होने का रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। जितना एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी को कोविड होने का होता है, उतना ही एक प्रेग्नेंट लेडी को कोविड होने का होता है। मतलब रेट ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी डस नॉट इंक्रीज एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट। बट अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को कोविड हो जाता है, वंस यू गेट इन्फेक्टेड विद COVID-19 वायरस, द रिस्क ऑफ सीवियरिटी गेट इंक्रीजेज। मतलब आपको सीवियर COVID-19 इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है अगर आप प्रेग्नेंट है तो। सीवियरिटी में क्या क्या हो सकता है? सीवियरिटी में देखिए, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको टाइम से पहले लेवर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, कई केसेस में इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, बच्चे की पेट में ही डेथ हो सकती है। और इनफैक्ट जो आपका बच्चा डिलीवर होता है उसमें भी सीवियर इलनेस होने की ज़्यादा चांसेस है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में अगर आपको कोविड होता है तो, इसीलिए बच्चे को सेपरेट रखा जाता है। और फिर क्वेश्चन आता है कि विच प्रेगनेंट लेडीज आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर COVID-19। देखिए, अगर आपको पहले से ही हाई बीपी है या हाई शुगर है, आपका आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबीस है, या आपको पहले से कोई और बीमारी है, आपकी एज मोर देन 35 है, ऐसे में सीवियर इलनेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको प्रेगनेंसी में COVID-19 वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। फिर आता है, तो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वैक्सीन अवेलेबल फॉर COVID-19 इन्फेक्शन, कौन कौन सी वैक्सीन COVID-19 के लिए अवेलेबल है। देखिए, इंडिया में जो अवेलेबल है अभी, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है एंड स्पुतनिक बी। अभी जो गवर्नमेंट लगवा रही है वैक्सीन वो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। आप इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन आप किसी भी गवर्नमेंट सेंटर पर जाके जहाँ पर वैक्सीनेशन होता है लगवा सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कौन कितनी डोजेस लेनी चाहिए, तो देखिए डोजेस डिपेंड करता है कि कितनी स्टडी हुई है। आज के टाइम पे आपको मिनिमम 2 डोजेस लगवाने चाहिए और साथ में बूस्टर भी लेना चाहिए। 2 डोजेस के बीच में कितना टाइम होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो मिनिमम 4 to 6 वीक होना चाहिए 2 डोजेस के बीच में। इसी तरह अगर आप कोविशील्ड ले रही हैं तो मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए 2 डोजेस के बीच में, और उसके बाद आप बूस्टर भी ले सकती हैं 3 मंथ के बाद। फिर आता है, एट व्हाट टाइम वैक्सीनेशन शुड बी डन इन प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन आप कभी भी लगवा सकती हैं। अब इवन आप 1st मंथ में लगवा सकती हैं, 2nd मंथ में लगा सकती हैं, इवन लास्ट ट्रेमेस्टर जब आपका 9वां महीना चल रहा है तब भी एटलीस्ट आप 1st डोज ले सकती हैं, और डिलीवरी के बाद आप 2nd डोज लगवा सकती हैं। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं प्रेगनेंसी में। फिर आता है कि क्या आप वैक्सीन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम लगवा सकती हैं लैक्टेशन पीरियड में। तो हाँ जी, बिल्कुल लगवा सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, ऐसा कोई मना ही नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है COVID-19 वैक्सीन को लगवाने के लिए। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन 2 टाइप के होते हैं, टेम्प्रेरी और परमानेंट। टेम्प्रेरी केसेस में कि अगर आपको कोरोना हो रखा है, अभी एक्टिवली आप बीमार हैं, तो आपको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। आपको मिनिमम 3 मंथ का वेट करना चाहिए, उसके बाद अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। परमानेंट केसेस में अगर आपको वैक्सीन से एलर्जी है, किसी भी वैक्सीन से आपको एलर्जी है, आपने कभी वैक्सीन लगवाया ही नहीं है बचपन से आज तक, अगर आपने बचपन में कभी वैक्सीन लगवाया हो और आपको कोई मेजर एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हुए हों बॉडी में, तो ऐसे केसेस में आपको अभी भी वैक्सीन ट्राई नहीं करना चाहिए।
या आपने फर्स्ट डोज लगवाया और आपको सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो आपको सेकेंड डोज नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड 19 वैक्सीनेशन। देखिए एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट कोविड 19 वैक्सीन से नहीं है। माइल्ड सिम्टम आपको आ सकते हैं जैसे फीवर या जो पेन एट द इंजेक्शन साइट, तो ऐसे केसेस में आप वैक्सीन को अवॉइड मत कीजिए, आप इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं, आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो आपको इन शॉर्ट जो ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी में आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना है क्योंकि ये आपकी सीवियर इलनेस से बचाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि हाई बीपी है, ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है आप, या आपको कोई सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है वैक्सीनेशन लेने का। फिर आपको डोजेस का ध्यान रखना है कि आप टाइम पे दोनों डोजेस लें, आप बूस्टर लगवाएं, और इवन वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और आपको मास्क लगाना है, आपको रेगुलर हैंड वॉश करना है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आराम से कोविड 19 से बच सकते हैं। होप है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।